फॉलो कर लेना। सही है, ठीक है ना? ये वाला सही किया ना? हाँ ये ठीक है। आप आ गए, मैं कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं रहने दो। ये क्या हो रहा है? राफिक को मैं होमवर्क करा रही हूँ। घर में होमवर्क करने के लिए अलग से स्टडी रूम मौजूद है। चलो बेटा अपना बैग लेके जाओ और वहां जाके पढ़ो। राफी तो वहीं बैठ के पढ़ रहा था, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे कहा है कि यहाँ आकर पढ़ लो। तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मामा की तबीयत खराब है जो तुम पढ़ने के लिए यहाँ आ गए? I'm sorry अंकल, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। राफी तुम एक काम करो, कमरे में जाके पढ़ लो, मैं वहीं आकर चेक करती हूँ। ठीक है? ठीक है मामा। आपको ऐसे राफे से बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सेंसिटिव है वो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और फिर होमवर्क करवाना तुम्हारा काम नहीं है, मैं राफे के लिए एक ट्यूटर अरेंज कर देता हूँ। ट्यूटर की उसे समझ नहीं आती, हमेशा से मैं ही उसे पढ़ाती रही हूँ। समझना पड़ेगा उसे, राफे अब बच्चा नहीं रहा। Anyway, मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मेरे लिए कॉफी बनवा दीजिएगा। जी, जैसी फाइल्स क्लियर होंगी मुझे सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बाय। खाना खा लो, आके लग गया खाना। नहीं अभी मुझे भूख नहीं, आप लोग खाएं। अगर इतना ही उसकी नाराजगी का एहसास था तो उसे बताया क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? बताते कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो कोई और नहीं, अमल ही है। नहीं अभी, अगर मैं अमल को मिनाहिल के बारे में बता देता तो मिनाहिल की खुशी की खातिर मेरी मोहब्बत कुर्बान कर देती। वो मुझसे दूर चली जाती और अमल की दूरी मुझसे बर्दाश्त न होती। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिले। जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपकी शादी हो और उस इंसान के साथ हो जो आपकी कदर करे। मैं चाहता हूं दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले जो आप डिजर्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा आके खाना खा लो, इससे पहले कि अम्मी खाना लेके यहाँ आ जाए। खाने का टेस्ट इतना चेंज क्यों है, शेफ बदला है क्या? वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है। किसने बनाया खाना? खाना आज मामा ने बनाया। आंटी ने? क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया? मेरी समझ में नहीं आता कि घर में इतने नौकर हैं तो फिर खुद क्यों? खुद खाना बनाने की क्या जरूरत है? जबकि हमारा शेफ जो है वो चाइनीज का, कॉन्टिनेंटल का, बेकिंग का, हर चीज का एक्सपर्ट है, तो फिर ये नौकरों वाला काम क्यों करना? व्हाई? अंकल
मामा ने इतने प्यार से आपके लिए, I mean, हम सबके लिए खाना बनाया है। आप तारीफ नहीं कर रहे तो कम से कम डांटे तो ना। अमल तुम खाना खाओ। लेकिन क्यों मामा? अंकल घर में भले 1000 नौकर क्यों ना हो, जो मजा अपने हाथ से बने हुए खाने में होता है ना, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और याद है पापा तो हमारे लिए हर वीकेंड पे खुद अपने हाथों से खाना बनाया करते थे। वाह सो स्वीट। आप ही, आपको याद है मेरी बर्थडे पे पापा ने मेरे लिए सरप्राइज केक भी बनाया था। वाह सो स्वीट। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो मैं अंदर से नहीं करूंगी। आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। आंटी खाना बहुत टेस्टी है। क्यों पापा इतनी तारीफ तो बनती है ना। थैंक्स। वासिल तुम ये खीर ट्राई करो, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। जी। अरे वाह, खीर तो देखने में ही काफी यम्मी लग रही है। वैसे आंटी मुझसे ज्यादा खीर पापा को पसंद है। मामा मुझे भी देना। लाफे मैं आपको देती हूँ प्लेट दो। वाह पापा। हानिया का भाई वापस आ रहा है तो इस सिलसिले में वहां पे पार्टी रुकी हुई है, तो मैं सोच रहा था अगर आप हमारे रिश्ते की बात वहां पे फिर कर लें तो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? दुनिया में क्या लड़कियां खत्म हो गई हैं जो तुम्हें सिर्फ एक दिलशाद की बेटी नजर आती है? पापा मैं और हानिया, मैं दिलशाद के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम भी उससे कोई रिश्ता बनाने के बारे में मत सोचो।